रिवायात मिलती हैं कि मेराज के सफ़र में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों में हैरत अंगेज़ मनाज़िर देखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की सैर की और दोज़ख के तबकात भी आपको दिखाए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मोहम्मद वालिही वसल्लम। अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसके गिर्द पेश हमने बरकतें रखी ताकि हम उन्हें अपनी निशानियां दिखाएं। यकीनन वो खूब सुनने वाला है और देखने वाला है। सुभान का तर्जमा दरअसल सुभान ही है। अरबी की जितनी लुगत मौजूद है, किसी भी लुगत में सुभान का तर्जमा और कोई नहीं है। सुभान में ताज्जुब है, हैरत है। इस हैरत को मारिफत भी कहते हैं। उस जात ने तमाम कानून तोड़ डाले, कम से कम वक्त में वो अपने बंदे को ले गया, अपने अब्द को ले गया। लफ्ज अब्द जिस्म और रूह का मजमुआ है, अब्द जात और सिफात का मजहर है। लफ्ज अब्द बताता है कि मेराज जिस्मानी हुई है, फिर बातें की अपने अब्द बंदे के साथ जो की। तसव्वुफ या रूहानी उलूम की इस्तलाह में अब्द यानी बंदा एक ओहदा है जिस पर अल्लाह ताला खुद तकर्री फरमाते हैं। रिवायत है कि नबूवत के 12वें साल 27 रजब को, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 51 साल 9 माह और 18 दिन थी, तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन को भेजा कि मेरे हबीब को मुलाकात के लिए लेकर आओ। अल्लाह फरमाता है अब्द को ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। मस्जिद अक्सा में 125,000 नबी जमा हैं। जिब्राइल अमीन ने अजान दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। दो रकत नमाज में पहली रकत में सूरह काफिरून और दूसरी रकत में सूरह इखलास तिलावत फरमाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे मुसल्ले पर थे, पीछे सब अंबिया थे। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के फरमान के मुताबिक सब नबी जिंदा हैं। इसके बाद मस्जिद अक्सा से आसमानों की तरफ मेराज का दूसरा सफर शुरू हुआ ताकि बरकतें और निशानियां दिखाई जाएं, यानी हम अपने बंदे को अजायबात और आयाते कुबरा दिखाएं। इस सफर में 5 आलमीन तक मुख्तलिफ सवारियों के जरिए और जिब्राइल अमीन के हमरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, लेकिन मजमूई तौर पर 70,000 आलमीन का सफर इख्तियार करके अल्लाह तक पहुंचे। अरबी लुगत में 70 के लफ्ज यानी अदद का मतलब ये होता है कि इससे आगे लामहदूद अनलिमिटेड है। शबे मेराज मक्का से जो हक के कारवां चले, ऊपर कदम हुजूर के थे 7 आसमां तले। ये शान उस रसूल की जो बाबाए बतूल है, जो हो ना इश्के मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। बैतुल मक़द्दस से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमे बाला की तरफ रवाना हुए। आसमानों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलीलुल कद्र पैगंबरों से मुलाकात की। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, दूसरे आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आपका इस्तकबाल किया, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम और छठे पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। अबुल अंबिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 7वें आसमान पर आपको खुशामदीद कहा। 7वें आसमान पर बैतुल मामूर देखा। इसके बाद सिदरतुल मुंतहा तक हजरत जिब्राइल अमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा रहे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिक कायनात की तस्बीह और तकदीस फरमाई और हिजाब अजमत का मुआयना किया। फिर हिजाब किबरिया मुनकशिफ हुआ। हिजाब किबरिया मुनकशिफ होने के बाद सैयदना हुजूर अलैहिस्सलाम ने हिजाब महमूद में तजल्लियात का मुशाहिदा किया
और मकाम महमूद में अल्लाह को देखा। दिल ने जो देखा झूठ नहीं देखा। मेराज शरीफ में बारगाह रब्बुल इज्जत से इनामात व अतियात मरहमत किए गए। मुफस्सरीन ने तीन का बतौर खास तज़किरा किया है। नंबर एक, सूरह बकरा की आखिरी आयात जिसमें इस्लाम के रहनुमा उसूल बयान किए गए हैं। नंबर दो, उम्मत मुहम्मदी की बख्शिश का वादा। नंबर तीन, नमाज पंजगाना की फर्जियत। रिवायात मिलती हैं कि मेराज के सफ़र में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों में हैरत अंगेज मनाजिर देखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की सैर की और दोजख के तबकात भी आपको दिखाए गए। नेको बद लोगों का मकाम दिखाया गया और उन मकामात पर आमाल की जजा व सजा का मुशाहिदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के दारोगा रिजवान से मुलाकात की और जन्नत के बागों में घूम फिर कर उनका मुआयना किया। सूरह तूर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मुत्तकी लोग वहाँ बागों में और नेमतों में होंगे, लुत्फ ले रहे होंगे उन चीज़ों से जो उनका रब उन्हें देगा, और उनका रब उन्हें दोजख के अजाब से बचा लेगा। उनसे कहा जाएगा, खाओ और पियो मज़े से अपने उन आमाल के सिले में जो तुम करते रहे हो। सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला यूं इरशाद फरमाता है, मुत्तकियों के लिए जिस जन्नत का वादा किया गया है उसकी शान तो ये है कि उसमें शफाफ पानी की नहरें बह रही होंगी, ऐसे दूध की जिसके जायके में ज़रा फ़र्क नहीं आया होगा। नहरें बह रही होंगी ऐसी शराब की जो पीने वालों के लिए लजीज होगी। नहरें बह रही होंगी साफ शफाफ शहद की, इसमें उनके लिए हर तरह के फल होंगे और उनके रब की तरफ से बख्शिश। चौथे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे तो देखा वहां एक फरिश्ता बैठा हुआ है, उसका एक पर मशरिक और दूसरा मगरिब तक फैला हुआ है। नबी ने पूछा, ये कौन है? तो जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया, ये मलकुल मौत है। उस फरिश्ते ने अर्ज किया, मेरे चेहरे में सलामती नहीं है मगर सलाम अर्ज करता हूँ, अस्सलातु वस्सलामु अलैक या रसूलल्लाह। फिर अर्ज किया, आप अकेले हैं? तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। उस फरिश्ते ने अर्ज किया, जब वापस जाएं तो अपने भाई अली को मेरा सलाम अर्ज कीजिएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए मलकुल मौत, तुम अली को जानते हो जैसा जानने का हक है? उसने अर्ज किया, मैं नहीं जानता तो कौन जानेगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कैसे? तो मलकुल मौत ने अर्ज किया, कायनात की हर शय की रूह को मैं कब्ज़ करता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया है, खबरदार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह और अली की रूह तुमने कब्ज़ नहीं करनी, हम खुद कब्ज करेंगे अपनी मशीयत से। शबे मेराज में अल्लाह ताला ने हजरत अली करमल्लाहु वजहों के लिए तीन अलकाबात इस्तेमाल किए और अपने रसूल से फरमाया, ये सबको बता दें कि ये हुक्म इलाही है, एक लकब इमामुल मुत्तकीन, दूसरा सैयदुल मुरसलीन, तीसरा कायद गैरुल मुहज्जलीन यानी चमकते चेहरे वाले। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शबे मेराज में अल्लाह और मेरे दरमियान अली के उन्वान पर बात हुई। एक और मौके पर फरमाया, शबे मेराज में जिब्राइल अमीन मुझे जन्नत में ले गए, वहाँ मेरा महल है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी महल है। इन दोनों मोहल्लात के दरमियान हज़रत अली करमल्लाहु वजहों का महल है। मेरे महल के सहन के दरमियान में एक दरख्त है जिसका नाम तूबा है। तूबा जन्नत में इतना बड़ा दरख्त है जिसका साया हर जन्नती के ऊपर है। मैं तूबा दरख्त के नीचे बैठ गया, हवा चलने लगी तो हवा के चलने से शां शां शूं शूं की आवाजें आने लगी। इसे अरबी में मैसरा कहते हैं। ये आवाजें कह रही थी, हाय अली
तेरी ज्यारत का शौक खा गया। फिर फरमाया, आसमानों का कोई फरिश्ता ऐसा नहीं है, जन्नत में कोई गिलमान ऐसा नहीं, कोई हूर ऐसी नहीं, जिन्हें अली से मिलने का शौक ना हो। इरशादे बारी ताला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि अल्लाह के इस फजल को पाकर लोगों को खुश होना चाहिए। इब्ने असाकिर अपनी किताब तारीख दमिश्क में लिखते हैं कि फजल से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और रहमत से मुराद मौला अली हैं। एक और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने मेराज की रात देखा कि एक फरिश्ता है और बहुत से फरिश्तों की जमात है जो उस फरिश्ते पर दुरूद पढ़ रही है, और उस फरिश्ते की शक्ल बिल्कुल हज़रत अली करमल्लाहु वजहो जैसी है। एक रिवायत में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह ने आपसे मेराज की रात किस लहजे में बात की? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझसे फरमाया, मैंने आपको अपने नूर से और अली को आपके नूर से बनाया, और हमने देखा कि तेरा दिल भी अली की मोहब्बत से लबरेज है, इसलिए अली के लहजे में बात की। एक रिवायत में आता है कि शबे मेराज की रात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अर्श पर लिखा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और नबी की मदद और नुसरत अली के जरिए की, और हर तरफ से अली अली हो रहा था। किताब फराजुद समतैन में हदीस मुबारक है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैंने मेराज की रात जन्नत के आठों दरवाजे देखे, हर दरवाज़ा खूबसूरत तरीन है और याकूत और मोतियों से बना हुआ है। जिब्राइल दरवाजे के करीब आकर तीन बार या अली कहते हैं तो दरवाज़ा खुल जाता है। एक और हदीस मुबारक में है कि जन्नत के आठों दरवाज़ों पर सुर्ख याकूत की कुंडी लटकी हुई है, जब वो सोने की तख्ती को जाकर लगती है तो उससे आवाज़ आती है, याली याली याली, और फिर दरवाज़ा खुल जाता है। किताब तरबियतुल उशाक में लिखा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शबे मेराज मुझे उस वक्त वजद आ गया जब मैं अल्लाह के हुजूर पहुंचा तो हुक्म हुआ कि फुला मुकाम से होकर आओ। चुनाचे मैं वहां गया और देखा कि कमरा था, मैंने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज़ आई, कौन है? मैंने कहा, मोहम्मद। जवाब आया, ये मनो तू का मकाम नहीं है, दरवाज़ा नहीं खुल सकता। मैंने वहां से जाकर ये बात अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दी तो इरशाद हुआ, आप दोबारा जाएं और पूछने पर जवाब दें कि मैं कुछ भी नहीं हूं। चुनाचे मैंने वहां जाकर दोबारा दस्तक दी, आवाज़ आई, कौन है? मैंने जवाब दिया, मैं कुछ भी नहीं हूँ। अब दरवाज़ा खुल गया। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो एक जगह से नहायत दिलकश आवाज़ आई, इलैया इलैया, मेरी तरफ आइए, मेरी तरफ आइए। वो आवाज़ इस कदर दिलकश और दिलनवाज थी कि मुझे वजद आ गया। हालत वजद में जब मैं आगे बढ़ा तो एक जुब्बा जो ऊपर लटका हुआ था मुझ पर गिरकर मेरे बदन पर चुस्त हो गया। मलाइका ने मुझे मुबारकबाद दी और कहा कि इस जुब्बे की तमन्ना बहुत से अंबिया किराम ने की, लेकिन किसी को न मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारक हो कि ये आप ही का हिस्सा था। मेराज से वापसी पर ये खिरकाए विलायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को इनायत फरमाया। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंखों वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। शबे असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद, नोशाए बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम।